Hey guys, so Monster Hunter. बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो मूवी है वो एक वीडियो गेम पे बेस्ड है और जो मॉन्स्टर हंटर के वीडियो गेम्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे खेले हुए हैं। इनफैक्ट जो मेरी तरह गेमर फैंस होंगे उन्होंने भी ये गेम ज़रूर खेला होगा। तो यार अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो यार ये मूवी थोड़ी सी एवरेज है कंपेरेटिवली। लाइक मूवी का हाइप इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता जितना वो गेम में था, पर जो इसका ओवरऑल अडेप्टेशन है उसको हम एकदम भी पुअर नहीं कह सकते और एकदम भी अच्छा नहीं कह सकते। ये काइंड ऑफ एवरेज मूवी रह गई है। तो यार प्लॉट तो इसका बहुत सीधा साधा है। एक मिलिट्री टीम रहती है जो कि अपने टीममेट्स को ढूंढ रही होती है, तो वो लोग उस टाइम एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं एंड वो स्टॉर्म उनको कोई एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रह रहे होते हैं। अब बात करते हैं मिला जोकोविक की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी भी है। जो मिला जोकोविक का कैरेक्टर है वो बेसिकली कमांडिंग ऑफिसर रहता है पूरी टीम का एंड वो ना धीरे धीरे करके एक एक लोग मरते रहते हैं और एंड में मिला जोकोविक अकेली बच जाती है। उसके बाद वो फिर मॉन्स्टर से लड़ती है एंड थोड़े टाइम बाद ही उसको एक हंटर मिल जाता है जिसका कैरेक्टर प्ले किया टोनी जान है। ये हंटर जो है ये अर्थ का नहीं है, मतलब जिस वर्ल्ड से मिला जोकोविक है वो वहां से नहीं है, वो दूसरे रियलिटी से है। सो ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा खौफ रहता है, इसलिए वो एक साथ एकदम से दोस्त भी नहीं बनते हैं। पहले इनके बहुत सारी लड़ाई वाले सीन्स भी दिखाए, लाइक दोनों एक दूसरे से बच के भाग भी रहे हैं एज वेल एज एक दूसरे को हंट भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहती है एंड आगे जाके वो साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यार, मतलब ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स हैं एंड इनकी जो केमिस्ट्री है मूवी में वो बहुत अच्छी थी। मतलब दो जो रियलिटीज हैं उन दोनों के लोगों को लेके जो प्रॉपर आउटकम फिल्म वाले ला सकते थे वो इतना बेटर ला नहीं पाए। मतलब उन दोनों की केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा चीजें एग्जीक्यूट कर सकते थे वो, बट उन्होंने इतना ज्यादा किया नहीं। अब कैरेक्टर से हटके अगर बात करूं तो इस मूवी का प्लस पॉइंट है इसके मॉन्स्टर्स। इसके मॉन्स्टर्स जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, मतलब तुम्हें देख के लगेगा कि यार ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है, ये एनिमेशन या सीजीआई नहीं है। और जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपर ए टू जेड गेम से लिए हुए हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नाम तक एक्चुअली गेम से लिए हुए हैं। सीजीआई बहुत अच्छा है मॉन्स्टर्स का, एक एक छोटी छोटी डिटेल देखने को मिलती है तुम्हें। जितने भी मॉन्स्टर्स है उनकी जो राइवलरी दिखाई है जो ह्यूमंस के साथ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी देखने को। और जो सीन्स दिखाए जिसमें प्रॉपर मॉन्स्टर्स ऑन स्क्रीन हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पे ना एक प्रॉपर सी हल्की सी लाइटनेस एज वेल एज डार्कनेस देखने को मिलती है हमें स्क्रीन पे, जो कि देखने से पता चलता है कि यार अब मॉन्स्टर आया है, तो वो बहुत ज्यादा यूनिक डायरेक्शन था। देखो अगर प्लस पॉइंट्स की इतनी बात की है तो थोड़ा सा नेगेटिव बता देता हूँ तुम्हें। देखो मूवी ना थोड़ी सी बोरिंग है, मतलब मुझे तो वो पर्सनली थोड़ी बोरिंग लगी। बहुत सारी चीजें ना रिपीटेटिव सी और बहुत स्लो स्लो लग रही थी। मतलब पता चल रहा है कि दो जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो टोनी जा का और एक मिला जोकोविक का, वो दोनों लड़ भी रहे हैं एंड पास भी आ रहे हैं। उनका भी सीक्वेंस कुछ 15 या 20 मिनट का था मूवी में एंड मूवी कुछ ज्यादा लंबी लेंथ की है भी नहीं, तो यार वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। मतलब आगे जाके भी वो मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे करके मार रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है मूवी में। मतलब आप मॉन्स्टर्स को मरते हुए देखोगे, इसके अलावा आपको स्टोरी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक्शन एडवेंचर मूवीज के बहुत बड़े फैन हो एज वेल एज उसमें मॉन्स्टर्स मिक्स कर दो तो ये मूवी तुम्हारे लिए वन टाइम वॉच तो जरूर है। और तो और अगर तुम मॉन्स्टर हंटर फ्रेंचाइजी के अच्छे फैन हो तो फिर यार ये मूवी तो तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो मेरा पर्सनल फेवरेट चीज़ें थी मूवी में। और जो सबसे घटिया चीज लगी मुझे मूवी की वो थी उसकी एंडिंग। मतलब एंडिंग उन्होंने ढंग से की नहीं है, उन्होंने मूवी को वहीं पे काट दिया जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। याद है जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जब स्पाइडरमैन राइनो से लड़ने ही वाला होता है और वो वहीं पे मूवी बंद कर देते हैं, तो कितना ज्यादा ऐसे हाइप क्रिएट हो जाती है ना कि यार अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। बट ये मूवी मेरे को स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी बोर लग रही थी, तो फिर मुझे इसमें ज्यादा हाइप भी नहीं लगी। या कह सकते हो कि मैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट नहीं कर रहा हूँ। इनको ना क्या करना चाहिए था ना कि ये जो मूवी है उसको पूरा मॉन्स्टर को मार के एंड करना चाहिए था, एक स्टोरी लाइन तो खत्म होती। लाइक उनके पास प्लॉट इतना सही है, उसको भी उन्होंने काट के आधा कर दिया है एंड वो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे जो कि इतना सही प्लॉट है, तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता ऑन स्क्रीन। और जो मिला जोकोविक के फैंस हैं उन्होंने ना रेसिडेंट ईविल जरूर देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो जो उसका कैरेक्टर था उस मूवी में जैसा, इस मूवी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइक वैसे ही एक्शन सीन्स है, वैसे ही उसकी फाइटिंग टेक्निक्स रहती हैं, थोड़ी ज्यादा पावरफुल रहती है, ऑलमोस्ट सेम है। बहुत चीजी सी स्क्रिप्ट थी मूवी की एंड उन्होंने मॉन्स्टर्स पे इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। मतलब मॉन्स्टर्स के सीजीआई पे बहुत ध्यान दिया है बट वो इतना अच्छा इंप्लीमेंट नहीं कर पाए मूवी में। एक और चीज मुझे अभी याद आई कि जो मूवी का जो पूरा सेटअप था वो ना ऑलमोस्ट लाइक 80% ना रेगिस्तान के सेट पे ही बेस्ड है। मतलब जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो ऐसे डेजर्ट एरिया में ही आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बोर हो जाती है ऑडियंस। लाइक यार तुम्हारे पास पूरा वर्ल्ड है, तुम उस मॉन्स्टर्स को थोड़ी नई जगह भी तो लाओ
ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स रेगिस्तान में ही आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को मैं मैक्स टू मैक्स 4.5 स्टार्स दूंगा 10 में से। और ये ना इतना बुरा एडाप्टेशन भी नहीं है गेम का। देख थोड़ी सी बोरिंग है बट तुम एक बार इसको जरूर देख सकते हो। इनफैक्ट इसका जो सेकेंड पार्ट आने वाला है अगर वो फाइनलाइज कर देता है स्टूडियो तो मैं चाहता हूँ कि यार वो अगली बार थोड़ी ऐसी चीजी स्क्रिप्ट ना रखें, लाइक थोड़ा सा ना मॉन्स्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एज वेल एज इस चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में।